एनिमेशंस बहुत टाइप के होते हैं, इसीलिए उन्हें बनाने का तरीका वैसे तो लगभग सेम ही होता है, बट डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एनिमेशन विच यू आर क्रिएटिंग, उनके बनने के प्रोसेस में कुछ स्टेप्स अलग हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शॉन द शीप एक प्रकार का एनिमेशन है एंड डोरेमोन एक दूसरे प्रकार का एनिमेशन। शॉन द शीप में क्ले मॉडल्स बनाने का एक स्टेप होता है, जबकि डोरेमोन में क्ले मॉडल की जरूरत ही नहीं, तो मॉडल्स बनाने का स्टेप किस बात का। एंड यार, आज हम दूसरे सभी एनिमेशन को साइड में रखकर एक ऐसे एनिमेशन स्टाइल की बात करेंगे जिसका नाम ही सबसे अलग और स्पेशल है, एनीमे। एनीमे बोले तो जापानीज एनिमेशंस। तो कैसे बनते हैं ये लेजेंडरी एनीमे, ये जानने के लिए इस वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। इस वीडियो का हमारा मेन फोकस होगा टीवी एनीमे को प्रोड्यूस करने का पूरा प्रोसेस जानना, एंड इस प्रोसेस को हम तीन बड़े सेगमेंट्स या फिर स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि है प्री प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन। प्री प्रोडक्शन सिंपली बोले तो प्लानिंग की एनिमे की कहानी क्या होगी, क्या किसी मांगा को एनिमे में कन्वर्ट करना है, एंड एनिमे सीरीज या एनिमे मूवी बन रही है तो उसे बनाने का खर्चा कौन देगा, एसेट्रा चीजें प्री प्रोडक्शन स्टेज पर पहले ही प्लान कर ली जाती है। इन प्रोडक्शन सिंपली बोले तो एनिमेटिंग में लेआउट डिजाइन बनाया जाता है, डिजिटल पेंटिंग्स या फिर ड्रॉइंग्स बनाई जाती है, ओवरऑल एनिमेशन को कम्प्लीट तरीके से बनाकर उसे एडिट करने का सारा काम इसी स्टेज पर होता है। एंड पोस्ट प्रोडक्शन, इसमें वॉइस आर्टिस्ट की वॉइस रिकॉर्ड करके एनिमेशन के साथ सिंक किया जाता है। एंड यदि पार्टिकुलर एनिमे को मल्टी लैंग्वेज में रिलीज करना है तो डबिंग का काम भी इसी स्टेज पर किया जाता है, और बस आपका एनिमे तैयार है टीवीज पर रिलीज करने के लिए। क्वाइट इजी प्रोसेस, राइट? वेल, इजी तो सिर्फ बोलने में है। अभी मैं आपको इन तीनों स्टेजेस को डीपली समझाने वाला हूँ कि हर एक स्टेज पर कौन सा इंसान क्या काम करता है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में कोई काम हो रहा है तो उस काम को करने वाला कोई तो होगा। जैसे मांगा बन रहा है तो उसे बनाने वाला मांगा का ही होगा ना। ठीक इसी तरह एनिमेशन प्रोडक्शन के प्रोसेस में हर एक काम करने वाले इंसान के बारे में भी हम अच्छे तरीके से जानने वाले हैं। एंड जब आप ये सब जानोगे तब आपको पता चलेगा कि किसी एनिमे को बनाने का प्रोसेस कितना कॉम्प्लिकेटेड होता है। हाँ, द प्रोडक्शन इज फुल ऑफ मिस्ड स्केड्यूल्स, रिविजन्स एंड अ होल लॉट ऑफ पेपर वर्क। एंड बिफोर गोइंग अहेड, मिलिए इस वीडियो के प्रायोजक गाओमोन से। गाओमोन एक हाई टेक कंपनी है जो कि मेनली ग्राफिक टैब्स बनाती है। यदि आप कंप्यूटर एनिमेशन सीखना चाहते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आप माउस से तो एनिमेशन करते समय अपना मन चाहा ड्रॉइंग्स कभी क्रिएट नहीं कर सकते, एंड दैट्स व्हाई पीपल यूज ग्राफिक टैब्स फॉर स्मूथ एनिमेशन। एंड यदि आप भी एक ग्राफिक टैब की खोज में हो तो प्रेजेंटिंग टू यू गाओमोन का S620 पेन टैबलेट। इसमें आपको 6.5x4 इंच का वर्क एरिया मिल जाता है, एंड इसकी सबसे खास बात है कि इसका पेन बैटरी फ्री है, मतलब इसके पेन को चार्ज करने की कोई जरूरत ही नहीं। प्लस इस पेन में 8192 लेवल्स पेन प्रेशर सेंसिटिविटी है, और टैब के साइड में आपको चार कस्टमाइजेबल बटन्स भी मिलते हैं जिनसे क्या फंक्शन होगा वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। 250 ग्राम का ये पेन टैब सुपर लाइट वेट है, जिसे आप अपने पीसी के साथ साथ एंड्रॉइड फोन्स में भी कनेक्ट करके उसे यूज कर सकते हो। ओवरऑल सबसे कम बजट में ये पेन टैब एक बिगिनर के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। एंड यदि आप एडवांस लेवल के एनिमेटर या ग्राफिक डिजाइनर हो और थोड़े हाई बजट के साथ एक ग्राफिक टैब लेना चाहते हो तो उसके लिए प्रेजेंटिंग टू यू गाओमोन का PD1320 डिस्प्ले पेन टैब। यस, डिस्प्ले का मतलब पेन टैब पर ही आप अपने कंप्यूटर का स्क्रीन प्रोजेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन शेयर करने के लिए आपको इस पेन टैब के साथ एक HDMI केबल मिलेगा, एंड बॉक्स के अंदर एक अडैप्टर, एक पोंछा साफ करने के लिए कपड़े का टुकड़ा, एक स्क्रीन प्रोटेक्शन ग्लव, एक पेन स्टैंड कुछ निब्स के साथ, एंड फाइनली एक पुस्तक जिसे पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। ये 13.3 इंच का डिस्प्ले पेन टैबलेट आता है फुल लेमिनेटेड स्क्रीन के साथ विद प्री अप्लाइड EG फिल्म। साधारण भाषा में बोले
तो गाओ मोन वाले इसमें पहले से ही एक स्क्रीन गार्ड लगा कर देंगे आपको, जिसका अपर लेयर आपको निकालना होता है कुछ ऐसे। ड्राइंग करते समय गाना सुनने का शौक रखने वालों के लिए इस टैब में एक ईयरफोन होल भी मिल जाता है। एंड ये लेदर गार्ड एज अ गिफ्ट मिलेगा आपको, जिसे आप पेन टैब के कवर के साथ साथ स्टैंड के रूप में भी यूज कर सकते हो। मैंने पर्सनली इसे यूज करके देखा और मैं तो इसका फैन बन गया, मतलब लग रहा था कि रियल पेन और पेपर पर मैं ड्राइंग बना रहा हूँ। सो यदि आप पेन टैब की तलाश में हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप इसे परचेज कर सकते हो। तो चलो आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें सबसे पहले हम प्री प्रोडक्शन स्टेज के सभी स्टेप के बारे में जानने वाले हैं। प्री प्रोडक्शन, प्रेजेंटिंग एंड अप्रूविंग द आइडिया। किसी भी एनिमे को बनाने के लिए आमतौर पर दो मेजर सोर्सेस होते हैं, नंबर वन मांगा और लाइट नॉवेल्स। मांगा तो आपको पता ही है कि जापान में बनने वाले कॉमिक्स को मांगा कहते हैं, एंड लाइट नॉवेल भी मांगा का एक लॉन्ग फॉर्म वर्जन होता है जिससे कोई एक मूवी बनाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल डोरेमोन एनिमे का सोर्स मांगा सीरीज है और योर नेम मूवी का सोर्स एक लाइट नॉवेल है। नंबर टू ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट्स। यदि मांगा या लाइट नॉवेल नहीं है तो हो सकता है कि किसी राइटर के पास एक स्टोरी हो जिसे वो एनीमे में कन्वर्ट करना चाहता है, क्योंकि अब अपने पास एक आइडिया रेडी है जिसे हम एक एनीमे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इसीलिए अब हमें अपने आइडिया को किसी प्रोडक्शन कंपनी के पास ले जाकर उन्हें दिखाना होगा। यदि उन्हें हमारा आइडिया पसंद आता है तो एनीमे बनने के प्रोसेस में सारे छोटे बड़े खर्चे रिलेटेड विद प्रोडक्शन, एडवर्टीजमेंट एंड ब्रॉडकास्टिंग वो प्रोडक्शन कंपनी ही देगी। देखो पैसा लगाने वाला प्रोड्यूसर कहलाता है, तो यदि आपके पास पैसों की कोई कमी नहीं है और खुद अपना पैसा लगा सकते हो तो उस केस में आप ही प्रोड्यूसर कहलाओगे। पर यदि कोई कंपनी आपके एनिमेशन प्रोजेक्ट पर पैसा लगा रही है तो प्रोड्यूसर उसी पार्टिकुलर कंपनी को माना जाएगा, ना कि आपको। आप सिर्फ एक पब्लिशर कहलाओगे जिसका वो आइडिया होगा, और पब्लिशर को भी स्टार्टिंग में कई खर्चे उठाने होते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि आपको तो एक रुपया भी नहीं लगाना होगा। एक बार यदि कोई विज मीडिया या एनीप्लेक्स जैसी प्रोडक्शन कंपनीज को आपका आइडिया पसंद आ जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है विट स्टूडियो या टोई एनिमेशन जैसे एनिमेशन स्टूडियो को अपना प्रोजेक्ट पकड़ा देना, ताकि वो स्टूडियो आपके आइडिया को एनिमेशन में तब्दील कर दे। और एनिमेशन स्टूडियोस किसी प्रोजेक्ट पर कितना जल्दी काम करने के लिए तैयार होती है वो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप किसी मांगा को एनिमे में बदलना चाहते हो या सिर्फ एक एनिमे ओरिजिनल स्क्रिप्ट को। क्योंकि देखो मांगा में कैरेक्टर और स्टोरी बोर्ड पहले से तैयार होते हैं, इसीलिए उन्हें आसानी से एनिमे में कन्वर्ट किया जा सकता है। पर एनिमे ओरिजिनल स्क्रिप्ट का पहले कैरेक्टर, बैकग्राउंड एंड स्टोरी बोर्ड सब कुछ जीरो से बनाना शुरू करना होता है, जिसमें काफी टाइम एंड एफर्ट लगता है। एंड यही वजह है कि एनिमेशन स्टूडियोस मांगा वाले प्रोजेक्ट से जल्दी लेती है। एंड यदि एक बार आपका आइडिया प्रोडक्शन कंपनी एंड एनिमेशन स्टूडियो दोनों के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि कौन कौन लोग आपके प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। यस, इस स्टेप में एनिमेशन स्टूडियो का काम होता है कि उन लोगों की एक टीम बनाना जो आपके ब्रेन में बैठे आइडिया को टीवी स्क्रीन तक ले जाने का काम करेंगे। वो लोग स्टूडियो के ही फुल टाइम एम्प्लॉयज हो सकते हैं या फिर कुछ फ्रीलांसर्स जो कमीशन बेस्ड काम करते हैं। एंड सबसे पहले हम मोटा माटी 12 लोगों के बारे में जानने वाले हैं जिनका एक एनिमेशन सीरीज या फिल्म बनाने के प्रोसेस में मुख्य रोल होता है। और वो 12 लोग हैं पब्लिशर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एपिसोड डायरेक्टर, लेआउट डायरेक्टर, आर्ट या फिल्म डायरेक्टर, एनिमेशन डायरेक्टर, कॉन्सेप्ट डिजाइनर, की एनिमेटर, इन बिटवीन एनिमेटर, कलर आर्टिस्ट और रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। प्री प्रोडक्शन, द स्टाफ। सबसे पहले आता है पब्लिशर। बेसिकली ये आप हो जो एनीमे के आइडिया एंड मटेरियल्स को ओन करता है। आपका काम है स्टोरी के प्लॉट, सेटिंग एंड कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट करना, साथ ही साथ सभी कैरेक्टर्स के डायलॉग्स लिखना, पूरी एक स्क्रिप्ट रेडी करना कि एक एपिसोड में आप क्या क्या दिखाना चाहते हो। मतलब आप एक राइटर हो, एंड यदि जरूरत पड़ती है तो आप अपनी राइटर्स की एक टीम भी बना सकते हो जो स्क्रिप्ट लिखेगी, एंड आपको उन स्क्रिप्ट को पढ़कर कुछ एडजस्टमेंट करके फाइनल स्क्रिप्ट रेडी करना होगा, ठीक ग्रेविटी फॉल्स के क्रिएटर एलेक्स हर्ट्ज की तरह। एंड यदि आपने ग्रेविटी फॉल्स की वीडियो नहीं देखी तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो। नंबर टू प्रोड्यूसर। एक प्रोड्यूसर आपके प्रोजेक्ट के फाइनेंसिंग एंड प्रमोशन पार्ट को संभालता है। एंड जैसा कि मैंने पहले बताया, ये प्रोड्यूसर आप खुद भी हो सकते हो या फिर विज मीडिया या एनीप्लेक्स जैसी कंपनीज भी हो सकती हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, प्रोडक्शन कंपनीज के पास बहुत पावर होता है। वो चाहे तो आपके स्टोरी में कुछ चेंजेस करने को कह सकते हैं, और बाय चांस आपने ऐसा नहीं किया तो समझ लो आगे आपको कोई फंडिंग
फंडिंग नहीं मिलेगी और आपका प्रोजेक्ट सदा सदा के लिए स्वाहा। नंबर 3, डायरेक्टर। डायरेक्टर्स का काम होता है सीन्स के हिसाब से कैरेक्टर डिजाइन ठीक है या नहीं, कैमरा एंगल, टाइमिंग, एक्सेट्रा चीजों को देखकर बताना कि वो सब सही है या कुछ चेंजेस की जरूरत है, और जरूरत है तो क्या चेंज करना है। ये सभी चीजें डायरेक्टर देखता है किसी पार्टिकुलर एनिमे के पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस में। बेसिकली ये वो बॉस है जो प्रोडक्शन के हर एक स्टेज पर प्रेजेंट रहता है और देखता है कि सब ठीक तो हो रहा है ना। नंबर 4, एपिसोड डायरेक्टर। यदि डायरेक्टर फाइनल बॉस है तो एपिसोड डायरेक्टर कुछ मिनी बॉसेस हैं जिन्हें किसी एक एपिसोड के लिए पार्टिकुलरली असाइन किया जाता है, ये देखने के लिए कि उस पार्टिकुलर एपिसोड को सही से बनाया जा रहा है या नहीं। एंड ऑब्वियसली एपिसोड डायरेक्टर फाइनल बॉस के अंडर काम करते हैं और एपिसोड टू एपिसोड चेंज भी किए जा सकते हैं। नंबर 5, लेआउट डायरेक्टर। यप, लेआउट डायरेक्टर लेआउट बनाता है कि पार्टिकुलर सीन के बैकग्राउंड में कैरेक्टर्स का पोजीशन क्या होगा, उनका कैमरा एंगल क्या होगा, वो फाइनल सीन में कैसे दिखेंगे। बेसिकली ये एक एनिमे के सिनेमेटोग्राफर्स होते हैं। नंबर 6, आर्ट या फिल्म डायरेक्टर। आर्ट या फिल्म डायरेक्टर को दूसरे स्टूडियो में फोटोग्राफी डायरेक्टर भी कहा जाता है, जिनका काम होता है स्पेसिफिकली बैकग्राउंड एंड सेटिंग को देखना। ये बंदा स्पेसिफिक लाइटिंग, कलर, शेडो एंड इवन वेदर को हैंडल करने के लिए बैकग्राउंड आर्टिस्ट के साथ कॉन्स्टेंटली काम करता रहता है। एंड आर्ट या फिल्म डायरेक्टर्स की अहमियत का अंदाजा आप माकोटो शिंकाई के फिल्म्स को देखकर लगा ही सकते हो। नंबर 7, एनिमेशन डायरेक्टर। एनिमेशन डायरेक्टर हाईएस्ट रैंकिंग का एक एनिमेटर होता है जिसे कोई एक प्रोजेक्ट असाइन किया जाता है। इसका काम होता है एनिमेशन की कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी को देखते रहना और कोई प्रॉब्लम या एरर दिखे तो उसे ठीक करना। एक बात याद रखना कि एक ही सीरीज के लिए कई एनिमेशन डायरेक्टर्स होते हैं, जैसे चीफ एनिमेशन डायरेक्टर और उसके बाद चीफ से लोअर पोजीशन वाले एनिमेशन डायरेक्टर्स एक्सेट्रा। एनिमेशन डायरेक्टर का जॉब काफी स्ट्रेसफुल होता है, काहे कि यदि एनिमेशन में कुछ भी गलती होती है तो एनिमेशन स्टूडियो उसी पर डंडे उठाएगी। नंबर 8, कॉन्सेप्ट डिजाइनर। द कॉन्सेप्ट डिजाइनर ऑफ कोर्स डिजाइन्स द कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट डिजाइनर ये सुनिश्चित करता है कि कैरेक्टर्स डिफरेंट एनवायरनमेंट के हिसाब से कैसे दिखने चाहिए, और कोई कैरेक्टर मांगा या लाइट नॉवल से लिया गया है तो उसमें भी कुछ चेंज करने का काम कॉन्सेप्ट डिजाइनर कर सकता है। एंड व्हाट मोर इज देयर टू से, ही मेक्स श्योर दैट योर फेवरेट वाइफू लुक्स गुड। वो डिफरेंट सेटिंग्स, बैकग्राउंड और एनिमे के अंदर की दुनिया के इनिशियल एंड फाइनल वर्जन को ड्रॉ करते हैं। इस हिसाब से उनका रोल एक अलग ही लेवल पर होता है क्योंकि उन्हें अलग अलग मॉन्स्टर टाइप्स, पावर्स एंड मूव्स का कॉन्सेप्ट भी ड्रॉ करना होता है। नंबर 9, की एनिमेटर। एक की एनिमेटर वो है जो की फ्रेम्स ड्रॉ करता है। ये की फ्रेम्स मेन पोजेस, मूवमेंट्स एंड कैरेक्टर्स के डिस्टिंक्ट इमोशंस के होते हैं। याद रखना, जितने ज्यादा की फ्रेम्स उतना स्मूथ एनिमेशन। एंड एक ज्यादा एक्शन वाले एपिसोड में ज्यादा डायलॉग्स वाले एपिसोड की तुलना में ज्यादा की एनिमेटर्स के होने की संभावना है। नंबर 10, इन बिटवीन एनिमेटर। यूजुअली एनिमे में हर एक सेकंड के लिए 24 फ्रेम्स बनाए जाते हैं और इन्हीं 24 फ्रेम्स को इन बिटवीन फ्रेम्स कहते हैं, जिन्हें इन बिटवीन एनिमेटर ड्रॉ करता है। क्योंकि इन बिटवीन एनिमेटर्स का एक ही ड्रॉइंग को 24 बार ड्रॉ करने का एक सिंपल सा काम होता है, इसीलिए उनकी सैलरी काफी कम होती है, जिसके कारण इन बिटवीन एनिमेटर का करियर बनाने का कोई सोचता भी नहीं। इसीलिए स्टूडियोज इन बिटवीन एनिमेटर्स के रोल के लिए ज्यादातर फ्रीलांसर्स को ही हायर करते हैं। नंबर 11, कलर आर्टिस्ट। की एनिमेटर्स एंड इन बिटवीन एनिमेटर्स मिलकर जो फ्रेम्स बनाते हैं उनमें कलर करने का काम कलर आर्टिस्ट करते हैं। और याद है ना, आर्ट या फिल्म डायरेक्टर इन कलर आर्टिस्ट को देखता रहता है कि सीन के हिसाब से कलर सही से हो रहे हैं या नहीं। और कलर आर्टिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी रेनबो कलर्ड डॉग को जुजुत्सु काइजन जैसे सीरियस एनिमे में बिल्कुल भी नहीं देखना चाहोगे। नंबर 12, रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। अरे इनके बारे में क्या ही कहना, पूरे शो में साउंड, वॉइस एक्टिंग एंड म्यूजिक को हैंडल करने वाले देवता हैं ये। तो अब क्योंकि एनिमेशन बनाने वालों को आप अच्छे से जान चुके हो, इसीलिए अब ये भी जान लो कि ये लोग मिलकर एनिमेशन बनाएंगे कैसे। इन प्रोडक्शन दी 8 स्टेप्स। प्री प्रोडक्शन में 2 स्टेप्स थे, प्रेजेंटिंग एंड अप्रूविंग दी आइडिया एंड चूजिंग दी राइट स्टाफ्स। और इन प्रोडक्शन में टोटल 8 स्टेप्स के बारे में हम अच्छे से जानने वाले हैं, जिनको करने के बाद फाइनल एनिमेशन रेडी होता है। स्टेप 1, कॉन्सेप्ट डिजाइन। ऑब्वियसली सबसे पहले पब्लिशर को, जो इस केस में आप हो, उसे एपिसोड की स्क्रिप्ट रेडी करके एनिमेशन स्टूडियो को देना है और एनिमेशन स्टूडियो वो स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट डिजाइनर को पकड़ा देगी। और जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यदि एनिमे का सोर्स मांगा है तो कॉन्सेप्ट डिजाइनर को ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। बट यदि सोर्स मांगा की जगह ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट है तो समझो कॉन्सेप्ट डिजाइनर के लग गए।
मतलब खूब सारे घंटे, उसे सभी कैरेक्टर्स को विजुलाइज करके उन्हें खुद क्रिएट करना होगा एंड एनिमे की पूरी दुनिया भी खुद से कॉन्सेप्चुलाइज करना होगा। और एक बार कॉन्सेप्ट रेडी होने के बाद उसे स्टोरी बोर्डिंग के लिए अपने कॉन्सेप्ट को ट्रांसफर करना होगा स्टोरी बोर्ड डिपार्टमेंट को। पर ट्रांसफर करने से पहले बनाए गए कॉन्सेप्ट को पब्लिशर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर एंड फिल्म डायरेक्टर से होकर गुजरना पड़ता है। यदि उन्हें सब ठीक लगता है तभी कॉन्सेप्ट को स्टोरी बोर्डिंग के लिए आगे भेजा जाता है। स्टेप टू, स्टोरी बोर्ड्स। कॉन्सेप्ट डिजाइनर सिर्फ कॉन्सेप्ट बनाकर साइड में उस कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन लिख देता है, जैसे मेन कैरेक्टर के कॉन्सेप्ट में उसकी आंखें ब्लू होंगी या रेड, या फिर उस कैरेक्टर का कौन से कलर का ड्रेस होगा, एंड यदि कॉन्सेप्ट एनवायरनमेंट के बारे में है तो आसमान नीला होगा या लाल होगा, घास सफेद होंगे या हरे होंगे। मतलब पूरे कॉन्सेप्ट को लिख कर कॉन्सेप्ट डिजाइनर उसे स्टोरी बोर्डिंग के लिए भेजता है। और स्टोरी बोर्डिंग में उस डिजाइन प्लस डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट को सीन बाय सीन विजुअल्स में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब स्टोरी बोर्ड एकदम रफ ड्राइंग्स होते हैं और इन ड्राइंग्स में ज्यादा कुछ डिटेलिंग्स नहीं की जाती हैं, बस कैमरा एंगल, कैरेक्टर पोजीशन एक्सेट्रा चीजों को सेट करके सीन बाय सीन ड्राइंग्स बनाए जाते हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे डब्बों में। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्टोरी बोर्ड का काम डायरेक्टर के प्रेजेंस में होता है, और ये स्टोरी बोर्ड जनरली A4 पेपर पर बनाए जाते हैं जिसमें एनिमे के मोस्ट ऑफ द वाइटल बिल्डिंग ब्लॉक्स डिफाइंड होते हैं, जैसे द कट नंबर्स, एक्टर मूवमेंट्स, कैमरा मूवमेंट्स लाइक जूमिंग और पैनिंग, द डायलॉग्स जिसे स्क्रिप्ट से लिया जाता है, द लेंथ ऑफ द ईच शॉट इन टर्म्स ऑफ सेकंड्स एंड नंबर ऑफ फ्रेम्स एक्सेट्रा। यदि सोर्स मटेरियल एक मांगा है तो स्टोरी बोर्ड मांगा पैनल्स पर ही बेस्ड होते हैं, जिससे काफी सारा टाइम बच जाता है इन कंपैरिजन टू स्टोरी बोर्ड ऑफ ओरिजिनल एनिमे स्क्रिप्ट्स। स्टेप 3, लेआउट। ये देखो, एक पेज पर छोटे छोटे डब्बों में अलग अलग शॉर्ट्स बने हुए हैं जिन्हें आप कट्स भी कह सकते हो, एंड इन सभी शॉर्ट्स को एक साथ स्टोरी बोर्ड कहा जाता है। और इस रफ वर्क को बड़े साइज में थोड़े ज्यादा डिटेलिंग के साथ ड्रॉ करना ही लेआउट प्रोसेस है। और ये जो बड़ा साइज है वो होता है स्क्रीन का साइज, जो कि होता है 9:16। किसी भी सीन के लेआउट में दो चीजें होती हैं, एक बैकग्राउंड, दूसरा सेल, सिंपल टर्म्स में बोले तो कैरेक्टर्स। और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए बैकग्राउंड को कूल ब्लू कलर एंड कैरेक्टर्स को ऑरेंज कलर किया जाता है। वेल, लेआउट तक केवल हर एक सीन की रफ ड्राइंग्स एंड डिटेल ड्राइंग्स ही बनाई गई, एंड अब शुरू होता है असली एनिमेशन प्रोसेस, जिसमें की एनिमेटर, इन बिटवीन एनिमेटर एंड कलर आर्टिस्ट का सबसे ज्यादा रोल होता है। स्टेप 4, की एनिमेशन। वेल, की एनिमेशन में एक एक करके सारे फ्रेम्स बनाए जाते हैं जिसे की एनिमेटर द्वारा बनाया जाता है, और ये फ्रेम्स फाइनल और सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी के होते हैं, जिन्हें आगे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया जाता है, एंड इस हिसाब से की एनिमेटर ही असली एनिमेटर होते हैं। आई मीन, हेल्प तो पूरी टीम करती है, बट की एनिमेटर एक हाई लेवल का काम होता है, और जो ये काम करता है उसको ट्रू रिस्पेक्ट मिलती है। पर हाँ, यदि एनिमेशन में कुछ खराब भी होता है ना, तो ट्रू ब्लेमिंग भी इन्हीं भाई साहब को मिलती है। और की एनिमेटर के द्वारा बनाए गए की फ्रेम्स को इन बिटवीन एनिमेटर के पास भेजने से पहले उसे एनिमेशन डायरेक्टर और एपिसोड डायरेक्टर द्वारा अप्रूव किया जाता है। एंड नाउ स्टेप 5, सेकंड की एनिमेशन। वैसे आजकल ना एक सेकंड की एनिमेशन का एक्स्ट्रा स्टेप किया जाता है, जिसमें फर्स्ट एंड मेन की एनिमेटर के द्वारा बनाए गए सभी की फ्रेम्स को एक दूसरे की एनिमेटर के द्वारा रिवाइज किया जाता है, और रिवीजन के समय यदि उसे कुछ गलतियां मिलती हैं तो उसे वो वहीं ठीक कर देता है। नाउ मूविंग टू स्टेप 6, इन बिटवीन एनिमेशन। ऑनेस्टली, एनिमे आर्टिस्ट आर इन अ लव एंड हेट रिलेशनशिप विद इन बिटवीन एनिमेशन। क्यों? देखो, एक तो है कि ये एक इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये स्टेप एनिमेशन को स्मूथ मोशन देता है, लेकिन साथ ही इस रोल को करने वालों की सैलरी बड़ी कम होती है। इन बिटवीन एनिमेशन में बने बनाए की फ्रेम्स के बीच ही कुछ एक्स्ट्रा फ्रेम्स बनाने होते हैं, जिसके लिए कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको देख देख कर ही तो थोड़े चेंजेस के साथ वही सेम ड्राइंग्स बनाने हैं। एंड दैट्स व्हाई एनिमेशन स्टूडियोस इस काम के लिए ज्यादातर फ्रीलांसर्स को ही हायर कर लेती हैं। स्टेप 7, कलरिंग। फाइनली, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस, क्योंकि कलरिंग किसको नहीं पसंद यार। मैंने तो अपने स्कूल टाइम में कलरिंग बुक्स खरीद खरीद कर पूरा पहाड़ बना दिया था। फुल अपार्ट फ्रॉम माय मेमोरीज, आजकल ट्रेडिशनल कलरिंग की जगह कलर आर्टिस्ट डिजिटली कलरिंग करने लगे हैं। एंड नॉट ओनली डू द कलर आर्टिस्ट पेंट द स्किन एंड हेयर, बट दे ऑल्सो मेक श्योर टू पुट इन द शैडो एंड प्रॉपर लाइटनिंग दैट वॉज सेट इन द फ्रेम्स। एंड कलर आर्टिस्ट क्या चमत्कार कर सकते हैं, वो आप डीमन स्लेयर के कलरिंग्स को देख कर जानी
ही सकते हो। स्टेप 8, फिल्मिंग या एडिंग दी बैकग्राउंड्स। ये स्टेप एक आर्ट या फिल्म डायरेक्टर ही हैंडल करता है, जिसके लिए वह अडोबी आफ्टर इफेक्ट्स जैसे सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेता है। क्योंकि अब तक सब कुछ डिजिटलाइज हो चुका होता है, स्पेशली आफ्टर कलरिंग स्टेज, एक आर्ट डायरेक्टर अलग से बैकग्राउंड्स बनाकर उसे मेन एनिमेशन के साथ इजिली मर्ज कर सकता है। रिमेम्बर, इसी स्टेज पर एफएक्स बोले तो इफेक्ट्स भी ऐड किए जाते हैं। आपको क्या लगता है कि ये धूप, ये बारिश एनिमेट किए गए? नहीं भाई, ये विजुअल इफेक्ट्स हैं जो कि एनिमेशन के इस फाइनल स्टेप में अलग से ऐड किए जाते हैं। यप, इफेक्ट्स हेल्प इन एनहांसिंग मैजिक, एक्सप्लोजन्स एंड इवन द ओवरऑल एटमॉस्फेयर ऑफ अ सर्टेन सीन। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि कुछ बहुत सबटल इफेक्ट्स जैसे सनसेट बैकलाइट, ग्लेयर, द शाइन इन द आईज ऑफ द कैरेक्टर्स एक्सेट्रा, जो कि 2D एनिमेशन को और डेप्थ देते हैं, सब एफएक्स ही कहलाते हैं। पोस्ट प्रोडक्शन, द फाइनलाइजेशन ऑफ एनिमे। ये वो फेज है जब कोई एनिमे प्रोडक्शन से बाहर निकल जाता है। इस स्टेज पर फिनिशिंग टच एंड क्लीनिंग अप प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, और थोड़े से इंतजार के बाद वो पार्टिकुलर एनिमे टीवी पर ब्रॉडकास्ट होने के लिए तैयार रहते हैं। और ये जो थोड़ा सा इंतजार है ना, उसमें एनिमे कैरेक्टर्स में जान डाली जाती है वॉइस एक्टिंग एंड साउंड इफेक्ट्स की हेल्प से। और ये सारा काम करता है अपना रिकॉर्डिंग डायरेक्टर। टोक्यो घूल और योर नेम के म्यूजिक ट्रैक्स का तो आपको पता ही होगा कि ये कितने पॉपुलर हैं। इसीलिए डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ म्यूजिक। यू मे हैव द पावर ऑफ गॉड एंड एनिमे ऑन योर साइड, बट दैट वॉन्ट डू एनी गुड इफ योर म्यूजिक सक्स। एंड दैट्स व्हाई डबिंग के अलावा एक एनिमे को उसमें दिए गए म्यूजिक ही कई बार उसे ज्यादा पॉपुलर बना देते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज साउंड इफेक्ट्स। जैसे आंखों को विजुअल इफेक्ट्स चौंकाते हैं, वैसे ही कानों को साउंड इफेक्ट्स चौंका देते हैं। किसी फाइट के इम्पैक्ट को और ज्यादा एनहांस करना हो या किसी फनी सीन को और ज्यादा फनी बनाना हो, साउंड इफेक्ट्स हमेशा वहाँ भगवान होते हैं। एंड फाइनल एनिमेशन विद साउंड एंड म्यूजिक को पब्लिशर, प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर द्वारा अप्रूवल मिलने के बाद आपका एनिमे डिफरेंट ब्रॉडकास्टिंग चैनल के थ्रू एयर होने को तैयार हो जाता है। कंक्लूजन के तौर पर, एनिमे बनाना उतना आसान नहीं है जितना हर कोई सोचता है। 20 मिनट के एक एपिसोड के हर एक सिंगल सेकंड में बहुत से लोगों की बहुत सी मेहनत लगती है। और क्योंकि अब हम एनिमे के बनने के प्रोसेस को अच्छे से जान चुके हैं, इसीलिए अब हम उन सभी अंडरपेड एंड ओवरवर्क्ड एनिमेटर्स को अप्रिशिएट कर सकते हैं जो इसे बनाने में अपना सब कुछ दे देते हैं। तो आप राइटर एंड प्रोड्यूसर को बिल्कुल अप्रिशिएट करो, पर अब से याद रखना कि आपके फेवरेट एनिमे के पीछे सिर्फ राइटर, प्रोड्यूसर या फिर वॉइस आर्टिस्ट ही नहीं, बल्कि एनिमेटर्स ही वो रियल स्टार्स हैं जो दिन के 18-18 घंटे लगाकर पूरे साल लाखों ड्राइंग्स बनाकर आपके फेवरेट एनिमे सीरीज को क्रिएट करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अभी भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी animation_vibes पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। प्लस ये स्क्रीन पर जो प्लेलिस्ट है वो आपके चाइल्डहुड शोज की शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री से भरी पड़ी है, जिसे खास आपके लिए ही बनाया गया। तो थोड़ा टाइम निकालो और अपने सभी फेवरेट कार्टून्स की सारी वीडियोस देख डालो। और हाँ, ये वीडियो पसंद आई तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम विद अनदर वीडियो। टिल देन, दिस इज राजा साइनिंग ऑफ।